चलिए दोस्तों, अभी उठा दिए हैं, नहीं गिरी थी उतना। क्या लगती है तुम, दिन से आ रही है ना जी? कमेंट भी आ रहा है, कमेंट भी आ रहा था। और वो गांव में रहेंगे ना, गांव में रहेगी तो वहां से नहीं हो पाता है और वहां से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता है उतना, और बहुत दूर है वहां। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और चलिए रिग्नी ब्लॉग में स्वागत है, स्वागत है। और देखिए सुबह सुबह का नज़ारा, तीन चार बार नहीं इंट्रो दे चुके हैं, तीन चार बार, लेकिन माइक कुछ प्रॉब्लम कर रहा था और मोबाइल में इतना कचरा फंस गया है, इतना कचरा फंस गया है कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा। और चलिए अभी कुछ बात बताना है आप लोगों को। और छोटी का बहन तो नहीं है, इसीलिए हमसे इतना लड़ रही है, इतना लड़ रही है, क्या बताएं। और सीमा अभी देखिए इधर है, और आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ना जी। और देखिए इधर का मौसम कितना मस्त किया हुआ, और देखिए अभी बैठे हैं सभी को, और अभी स्कूटी चला के आई है और हम लोग बाद में इंट्रो दे रहे हैं ना जी। तो चलिए अभी हम लोग को खेल रहा है ना जी, लेके आओ, देखिए लेके नहीं आ रही है, लेके आओ, आओ, देखिए लेके नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, नहीं सक रही है, डर लग रहा है यहाँ पे। देखिए चलो हम लेके चलते, और यहाँ से हम लेके चल जाते हैं, लो धरो, ब्लॉक करो ना, तो डर लगता है, बताओ। पूरा पेंट खुल रहा है, पेंट खुल रहा है। अरे देखिए सीमा चलाओ जी, सीमा चलाओ, चला नहीं पा रही है। और अभी कोयला वीला लाने के लिए पता करना होगा, यहाँ पे कोयला कहाँ मिलता है वो भी हम लोग पता नहीं है ना, पता किए पर हम देखे नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? नहीं देखिए, जाके पूछना चाहिए ना, इधर बगल में रहते हैं ना, वही सबसे पूछी है, पता की इसको भी बैठा लेगी, गिर जाएगा तो। देखिए उसको बैठा लिया, गिर गई, बैठा लो बैठा लो बैठा लो, नहीं गिरेगी, बैठा लो थोड़ा सा, अच्छा लगेगा ना छोटी। देखिए बैठ गई, चाबी मेरे ही पास है, देखिए लो, देखो ये वाला ऑफ रहेगा ना, जाना है इधर तो नहीं चल, नहीं स्टार्ट होगा, और स्टैंड भी नीचे रहेगा ना तो नहीं चलेगा। और देखो देखो ये सब है ना, यदि ये वाला इधर इधर जाना रहेगा तो इधर जाएगी, तो इसको करेगी तो देखो यहाँ सिग्नल जल रहा, तो इधर इंडिकेटर जलेगा ये वाला, इसके वजह से पीछे से भी आने वाले को पता चलेगा और आगे वाला आने वाला को पता चलेगा कि हाँ इधर काटने वाली, और इधर करेगी तो इधर पता चलेगा, समझ गई ना, इसीलिए मोड़ता है सब आदमी जलाते हुए, देखिए ना, हाँ तो ऐसे ही चला जाता है। चलो अब चलो, चला कोशिश करो, कोशिश करने वाला को मुकाम और कामयाब मिलता है। चलो चलो ना आराम से, मजा लग रहा है, जल्दी चलो जल्दी, चलो 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 आराम से, रोकने वाला सीखेगी तब ना, मेन बात ना, लड़की लोग को रोकने वाला आता ही नहीं है, मतलब रोक ही नहीं पाते उन लोग, मतलब ब्रेक नहीं मारेगी, चप्पल से ब्रेक मारने लगती है ना बबीता, यही एक कमी है, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाती। देखिए अभी भी वैसे ही कर रही है, एक्सीलेटर मारे जा रही है, अरे ब्रेक मारो। हाँ उसका साथ में बैठ गई एकदम। चलो हमको भी मुँह कान धुलाना है आज, उतार दे रही है, उतार उतरबो नहीं कि यार, पकड़ चला लेगी, लगातार चलाएगी ना तो चला लेगी, आराम से चलाई है, इससे पहले भी चलाई है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं चलाई है। चलो एक दो राउंड मारो, हो गया, ज़्यादा नहीं। गिर गया गिर जाती, मत बैठो, चलो हो गया। चलिए दोस्तों अभी उठा दिए हैं, नहीं गिरी थी उतना खास, और अभी चलते हैं हम लोग, नहाना धोना है, और आज तेल नहान भी है तो हल्दी और तेल के साथ, सरसों तेल के साथ में नहाना होगा ना बबीता, आज नहाना होगा, तो आज ही के दिन में, मतलब कि दसकर्मा जो होता है ना, दसकर्मा 10 दिन में होता है, लेकिन हम लोग आज ही भी ख़त्म कर देगा नियम धर्म ना जी। और क्योंकि वहाँ पे गांव में उनका मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं है ना,
हम ही लोग थे तो मम्मी पापा लोग में हम लोग का मम्मी पापा लोग हैं तो सारा नियम धर्म सब कर दे रहे तो हम लोग नहीं जा पा रहे क्योंकि काम है और सीमा का आज कॉलेज में भी जाना था उसके वजह से नहीं जा पा रहे हम नहीं एडमिशन करवाना था इसको भी तो एडमिशन भी नहीं हो रहा काफ़ी दिक्कत हो रहा और पैसा का लेके खासकर दिक्कत होता है क्योंकि पता नहीं पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे सीमा को। और आप लोग कमेंट कर रहे थे अभी थोड़ा देर बाद बताते हैं सीमा आएगी तब कि सीमा हम लोग का क्या है ना जी बहुत कोई कमेंट करते हैं कि डाउट रहता है कि सीमा क्या है तो आप लोग को बताएंगे थोड़ा देर में सीमा आ जाएगी तभी अच्छा लगेगा ना जी बताएंगे तो चलो अब यहाँ बैठल रहेगी घर चलो कमर दर्द दे रहा चलो चलो घर पे चलिए। और यहाँ पे एकदम पेड़ पौधा है ना और लगातार अभी 3-4 दिन से तो मौसम ऐसा बना दिया है ना डुर कर दिया है ना तो लग रहा है कि बारिश का मौसम आ गया और ऐसे भी बारिश का मौसम आ गया और सीजन भी आ गया ना जी। हाँ अब रोपाई उपाई चालू हो जाएगा धान उन और हम लोग को भी जाना गांव जाना ही होगा क्योंकि हम लोग को करने धरने वाला कोई है ही नहीं बस हम लोग जाएंगे सीमा भी यहीं है तो हम लोग को जाना ही पड़ेगा सीमा रहती तो कोई दिक्कत नहीं था हम लोग को जाना नहीं पड़ता ना। तो फिलहाल चलते हैं और छोटी देखिए अकेले खेल रही है वहाँ पे और चली गई का मैदान मैदान गई ओ उधर से आ रही है तो चलिए अभी आती है उसके बाद बताते हैं। और देखिए अभी हम लोग खाना वगैरह खा लिए हैं नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिए हम और अभी काल को नहीं किया क्योंकि अभी ये लोग तेल नहान वाला काम क्रिया करेगी उसके बाद नहाएगी और देख लेते हैं यहाँ पे सीमा अभी भुंजा बनाएगी और अभी हम खा लिए क्योंकि सब्जी वगैरह बन गया था ना जी। हाँ और देख लेते हैं अभी खुश छोटी भी खा रही थी खाली और देखिए यहाँ पे बारिश हो रहा था अभी पूरा हाँ गाड़ी पहुँच रही इधर और सीमा अभी गाड़ी चला के आ गई ना जी थोड़ा देर पहले ही आ गई थी रहते वीडियो में बहुत दिन से आ रही है ना जी कमेंट भी आ रहा था और बहुत लोगों का डाउट रहता है मतलब कि नया नया सब्सक्राइबर आया ना तो बहुत कोई को पता नहीं है कि सीमा हम लोग को क्या लगती है ऐसे ऐसे कल का वीडियो देख के आप लोग बहुत कोई को समझ में आ गया होगा ऐसे ना जी। और सीमा ही बताएगी हम लोग को क्या लगता है क्या लगती है तुम भैया लगते हैं और तो मेरा बहन है दोस्तों अपना बहन है मतलब भैया भाभी हम लोग लगते हैं और हम लोग पूरे टोटल 5 भाई बहन हैं और 2 छोटा छोटा है और 1 है बड़ा और सबसे बड़ा मैं ही हूँ ना। और देख सकते हैं अभी बना रहे हैं और आज है तेल नहान बताए थे कि कल परसों हम लोग गए थे गांव गए थे कि कोई डेट किया था चाचा आप लोग बताए भी थे कि चाचा था और दोनों मम्मी पापा उनका एक्सपायर कर गया ना जी डेट कर गया 2-3 महीना के अंदर में उसी में थोड़ा सा हम लोग मतलब सबको दुख हो रहा है अब इसमें क्या कर सकते हैं अब जाने वाला को कोई रोक नहीं सकता दिक्कत होगा क्योंकि छोटा छोटा बच्चा है कमाने खाने वाला कोई नहीं है तो अभी गांव वाला ही सपोर्ट करेगा और फिर हम लोग हैं तो सपोर्ट करेंगे ही थोड़ा बहुत जितना हो सके और क्योंकि हम लोग अभी देख ही रहे कि गरीबी हालत है हम लोग का भी और सबका साथ दे ही के चलते हैं और गांव में भी हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं सभी को मतलब कि एक साथ में रहना चाहिए जुट मिल के ना जी। और आप लोग को बता भी दिए कि सीमा हम लोग को क्या लगती है ना सीमा बस बोलती नहीं है ज़्यादा इसलिए और देखिए कैमरा में नहीं बोलती है ज़्यादा क्योंकि शर्म लगता है और गांव देहात का आदमी को समझ सकते हैं थोड़ा सा अजीब फील होता है थोड़ा थोड़ा पहले पहले और हम लोग को भी लगता ही था थोड़ा थोड़ा आदत बनाना चाहिए। और देखिए ये माइक को खरीदे थे तो ये माइक भी थोड़ा सा जवाब देने लगा धीरे धीरे केवल खराब हो गया कि क्या हो गया पता नहीं ना जी रखल यूज नहीं हो रहा था बहुत दिन से। और सीमा यहाँ पे क्यों आई है क्योंकि कॉलेज यहाँ से करेगी और यहीं से पढ़ाई लिखाई करेगी और गांव में रहेंगे ना गांव में रहेगी तो वहाँ से नहीं हो पाता है और वहाँ से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता है उतना और बहुत दूर है वहाँ से कॉलेज भी आना पड़ता था कम से कम 40-45 किलोमीटर तो क्या फ़ायदा वहाँ रहने से इसीलिए हम लोग सोचे कि हम लोग के साथ में रहेगी और यहीं से पढ़ाई लिखाई करेगी जो भी करेगी ना सीमा। और चलिए आप लोग को बता दिए कि सीमा हम लोग को क्या लगती है और फिर से सुन लीजिए हम मेरी बहन लगती है सीमा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।